नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अगर कन्या ना मिले तो किस प्रकार माता का आशीर्वाद दिया जाए, आइए जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार से। आश्विन नवरात्रि तथा क्षेत्रीय नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तिथियों पर कन्या पूजन, लांगुर पूजन, भैरव पूजन इनका महत्व होता है। ऐसे में किसी के घर पे यदि कन्या उपलब्ध नहीं है, कन्या भोजन के लिए आने के लिए तैयार नहीं है या कन्या नहीं मिल रही है, ऐसे में यह चाहिए कि नज़दीक के किसी देवी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जा कर के यथाशक्ति दान धर्म करें। भोज्य पदार्थ, फल, मिष्ठान आदि जो चढ़ाना, जो कन्याओं के निमित्त निकाला है, ये वहाँ पर पहुँचाए। और कन्या नहीं मिल रही हैं ऐसी स्थिति में यदि किसी स्कूल में या ऐसी जगह पर जहाँ पर कन्या हो, वहाँ पर आप यथाशक्ति फल है या दान दक्षिणा है जो भी, वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। फिर भी कन्या अगर हमारे को उपलब्ध नहीं हो रही है तो देवी का ध्यान करना चाहिए। घर में अपनी माता, बहन, भाभी, चाची, ताई इनका पूजन कर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। स्त्रियों का पूजन ही देवी का पूजन माना गया है। शास्त्र में कहा गया है कि जो पुरुष नारी का सम्मान करता है उसके ऊपर उसकी कुल देवी की असीम कृपा बनी रहती है। जो लिए स्त्रियों का सम्मान करें और जो आपको नज़दीक में मंदिर हो वहाँ पर दान धर्म करें, जिससे कि वो एक ज़रूरतमंदों तक आपकी मदद पहुँच जाएगी। शास्त्र के अनुसार जब आपके घर में कन्या पूजन के लिए आए, कन्या भोजन के लिए आए, तो सर्वप्रथम उसके चरणों को धो लें। उसके बाद चरणों का पूजन करें, मस्तक का पूजन करें, तिलक लगावें, फिर भोजन करावें। भोजन के बाद में कुछ फल देवें, दक्षिणा देवें, चरण स्पर्श करके फिर उन्हें विदा करें। यह एक कन्या पूजन का अच्छा विधान है।